हे गाइज, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम स्टडी आइकन में। आज हम सब पढ़ेंगे केमिस्ट्री। जी हाँ, केमिस्ट्री पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम क्या है? रासायनिक बंधन। आज हम सब रासायनिक बंधन के बारे में स्टडी करेंगे। 10th का एक चैप्टर था जिसका नाम था धातु एवं अधातु। जी हाँ, धातु एवं अधातु, उसके बारे में अध्ययन किया था। तो उसमें कुछ टॉपिक बाकी था जिसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। आइए हम स्टडी करते हैं रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन क्या है? जैसे मानिए सोडियम हुआ, ऑक्सीजन हुआ, क्या बनाया? Na2O बनाया, सोडियम मोनोऑक्साइड बनाया। तो ये कैसे बना, आइए देखते हैं। स्टेप बाय स्टेप इसका अध्ययन करेंगे। किसी एटम के, जी हाँ, किसी अणु के परमाणु जब आपस में जिस बंधन के साथ बंधे हो उसे ही कहते हैं रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रासायनिक बंधन। ठीक, आइए इसको एग्जाम्पल के बेसिस पे समझते हैं कि कैसे हुआ। मैग्नीशियम क्या किया? ऑक्सीजन साथ अभिक्रिया किया तो क्या बनाया? MgO बनाया, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। जी हाँ, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी मैग्नीशियम ऑक्सीजन जिस बंधन के द्वारा आपस में बंध गया उसी बंधन को क्या कहेंगे? रासायनिक बंधन। आइए देखते हैं केमिकल बॉन्ड। रासायनिक बंधन कितने टाइप के होते हैं, इसे कितने टाइप होता है? रासायनिक बंधन के दो टाइप, फर्स्ट सेकेंड। फर्स्ट क्या है? वैद्युत सहसंयोजक बंधन, यानी वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन, इसका दो नाम है। ठीक, सेकेंड क्या है? सहसंयोजक बंधन। एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। जैसे मैं देखिए, जैसे समझिएगा ध्यान से, CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड है। ठीक, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20। O का 8, इसका विन्यास कितना होता है? 2882। जी हाँ, इसका विन्यास 26। अब ये विन्यास कैसे तो होते हैं, इसके बारे में मैंने आपको पीछे पढ़ाया था धातु अधातु में कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे तोड़ते हैं। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे, जी हाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका वेबसाइट दे रखा है, आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट वीडियो को आप वहाँ देख सकते हैं। मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे तोड़ते हैं। आप उस वीडियो को देख लीजिए, फिर आइए यहाँ पर। तो हमने बताया कि CA का विन्यास क्या होगा? 2882 होता है। इसका अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 है। ऑक्सीजन का कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 है। तो यहाँ अष्टक नियम के मुताबिक क्या होगा? जो CA है ये चाहे कि मैं 12वीं कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 हो जाए। इसे 12वीं कक्षा में 2 है ना, ये चाहे कि हमें 12वीं कक्षा में कितना 8 हो जाए। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन के पास में 6 है, ये भी अष्टक नियम पूरा करेगा ना, तो ये चाहे कि हमारे अंतिम कक्षा में कितने 8 हो जाए, तो करेगा CA इसको अपना 2 दे देगा। तो ये जो 2 है इस पे आ जाएगा, तो क्या बनेगा? CA क्या कहते हैं कितना 2 पॉजिटिव दे दिया, यानी 2 पॉजिटिव कैसे आया? CA अपना 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, यानी CA किसी को डोनेट किया तो क्या होगा? पॉजिटिव हुआ। वो क्या है? वो किसी से 2 इलेक्ट्रॉन नहीं लिया, मतलब वो के पास 2 इलेक्ट्रॉन इसका अपना नहीं, किसी दूसरे का है। वो के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे ये किसी दूसरे का है, तब जाके ये क्या बनाया? CaO बना, तब तो जगह कैल्शियम ऑक्साइड बना। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। आइए देखते हैं Na2O है, सोडियम मोनोऑक्साइड। जी हाँ, सोडियम मोनोऑक्साइड है। अब क्या हुआ? Na सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 होता है। ठीक है, सोडियम का विन्यास कैसे तोड़ेंगे हम? 28 10 8 हो गया। ऑक्सीजन का कैसे तोड़ेंगे? 26। अब देखिए यहाँ पे होगा ये ऑक्सीजन को अष्टक नियम पूरा करने के 2 इलेक्ट्रॉन की चाहिए। सोडियम पर क्या है? सोडियम को अष्टक नियम पूरा करने के लिए यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देना पड़ेगा, ये अपना किसी को डोनेट करेगा, ये किसी से एक्सेप्ट करेगा। तो क्या बनेगा? सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया? दे दिया किसको? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन का अपना 6 है, इसको 1 सोडियम यहाँ से ट्रांसफर किया। 2 सोडियम है ना, 1 ये सोडियम, ये भी सोडियम क्या किया? अपना 1 यहाँ से इसको ट्रांसफर किया। ठीक, तो हमने क्या देखा कि सोडियम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिया, यानी ऑक्सीजन के पास में कितना 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो यहाँ बनेगा 2Na पॉजिटिव, यानी एक सोडियम एक को दिया है तो दो सोडियम कितना दिया, 2 दिया पॉजिटिव, ओ पर कितना 2 निगेटिव, तब जाके क्या बना Na2O सोडियम मोनोऑक्साइड बना। ये देखते हैं सेकंड कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंधन, वो क्या होता है। तो आइए ध्यान दीजिए, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी हमने क्या देखा आयनिक बॉन्ड। जी हाँ, आयनिक बॉन्ड में क्या हुआ था, उसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो गया, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ ट्रांसफर हो गया। इसमें क्या होगा, ये कहता है कि नहीं ट्रांसफर नहीं कहेंगे हम समझौता कहेंगे तुमसे। ये समझौता करता है एक दूसरे से। आइए देखते हैं कैसे समझौता करता है। इसमें क्या होता है, जब दो परमाणु होता है आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करके समझौता करते हैं, साझा करता है, क्या कहता है साझा करता है, अपना अष्टक नियम पूरा करने के लिए। तो इसे इस बंधन को क्या कहेंगे, सहसंयोजक बंधन। सह एक साथ आया हो, एक साथ बना हो, यानी समझौता किया दोनों एक दूसरे में। आइए देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे आइए देखते हैं। जी हाँ, आइए देखते हैं सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक बंधन में क्या होता है, तो हमने बताया इसमें दो परमाणु के बीच आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, यानी दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। हमने पीछे क्या देखा आयनिक में, उसमें देखा कि जो दो परमाणु क्या क्या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर दिया, दूसरे को डोनेट किया या एक्सेप्ट किया दूसरे से। इसमें वैसा नहीं करेगा, इसमें उसके साथ समझौता करेगा। तो ये इसके 3 टाइप है, तीनों का एक एक स्टडी करते हैं। आइए देखते हैं सहसंयोजक बंधन के एक एक। सहसंयोजक बंधन 3 टाइप का होता है, आइए एक एक का अध्ययन करते हैं। तो मैंने लिखा सिंगल डबल ट्रिपल, ठीक है आप इसे जानते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन के एक युग्म का साझा होता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें द्विग में कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन के युग्म होता है। इसमें क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन के युग्म का साझा होता है, ठीक जैसे ना। आइए देखते हैं हाइड्रोजन H2 का बनना। हाइड्रोजन अणु कैसे बनता है, मानिए हाइड्रोजन है, इसका अपना एक परमाणु, इसका अपना एक, ये अपना क्या करेगा इसको देगा, ठीक ये इसको दिया, ये दोनों आपस में समझौता किया तो क्या बन गया H सिंगल बॉन्ड H, यानी ये क्या बन गया H2 बन गया, ठीक। आइए देखते हैं जैसे ना O2 का बनना, यानी O2 क्या है, हमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन O2 का बनना, ठीक। आगे देखते हैं O2 का बनना। O2 एग्जाम्पल सेकेंड, O O का बिना कितना होता है 26। इसके 72 कक्षा में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है, इसके 72 कक्षा में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 6 है। इसको अष्टक नियम पूरा करने के कितना चाहिए 2 चाहिए, ठीक इसको 2 चाहिए यहाँ से। तो क्या होगा, एक ओ यहाँ है, एक ओ यहाँ बिठाइए, 2 बना दिया हमने, 2 ऑक्सीजन बना दिया। इसके पास कितना है 6, 2 4 6, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन के पास में है, दोनों को 2 की आवश्यकता है, ठीक। तो अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन अपना 2 उसको देगा, वो अपना 2 इसको देगा, नहीं 2 इलेक्ट्रॉन के यहाँ साझा करेगा। जैसे मैं देखिए ये दोनों अपना इसको दिया, फिर ये दोनों इसको दिया, तो इसके पास कितना हो गया 8 हो गया, इसके पास भी कितना हुआ 8 हुआ। तो अब देखते हैं नंबर ऑफ पेयर कितना है, तो यानी 2 इलेक्ट्रॉन दिया है ना, तो कितना हो गया 2 हो गया, यानी 2 बॉन्ड बनेगा यहाँ पे। तो O डबल बॉन्ड O, यानी O2 बन गया। आइए देखते हैं मीथेन। मीथेन क्या होता है CH4, मीथेन CH4, ठीक। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका विन्यास 2 4, हाइड्रोजन का 1, कार्बन कितना है 1 है, एक दो तीन चार, ठीक। एक कार्बन का अपना है वास्तव कक्षा का। अब हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ, एक यहाँ पे, ठीक। अब क्या होगा, हाइड्रोजन का भी अपना एक है ना, हाइड्रोजन का अपना एक है, इसका भी अपना एक है, इस हाइड्रोजन का भी अपना एक है, इस हाइड्रोजन का भी अपना एक है। अब क्या करेगा, इस हाइड्रोजन अपना कार्बन को देगा, कार्बन के पास ये क्या कि कार्बन के साथ में समझौता किया, यानी कार्बन के पास कितना हो गया, 2 4 6 8। कार्बन का अष्टक नियम तो पूरा हो गया। अब बच गया हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का फिर कार्बन अपना एक देगा इसको, एक देगा इसको, एक यहाँ भी देगा, एक यहाँ भी देगा। देखिए बन गए, मैंने आपको स्टेप बाई स्टेप बताया। अब आगे क्या बनेगा, सी इस दोनों को टच कर दीजिए, सिंगल बॉन्ड बन गया। आगे क्या बन गया, CH4 यानी मीथेन बन गया, ठीक। तो हमने देखा भी कि हाइड्रोजन H2 का बनना, O2 का बनना एवं CH4 मीथेन का बनना। आइए देखते हैं नेक्स्ट, N2 है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। इसका विन्यास कैसे तोड़ेंगे, 2 5। इसके 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 72 कक्षा में, 5 5 है ना। इसको कितना चाहिए, अष्टक नियम के 3 चाहिए, जी हाँ 3 चाहिए। 3 इसको कहाँ से आएगा, एक नाइट्रोजन ये है, एक ये है, इसको भी 3 चाहिए, इसको भी 3 चाहिए, दोनों को 3 3 चाहिए, ठीक। जो नाइट्रोजन यहाँ पे है, नाइट्रोजन है ये अपना 3 इसको देगा, ये अपना 3 इसको देगा। यहाँ क्या बन गया, N ट्रिपल बॉन्ड, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 3 3 6 है ना, 6 है तो 3 पेयर बनेगा, यानी 3 बॉन्ड बन गया N। तो क्या बन गया, N2 बन गया। आइए देखते हैं CO2। CO2 क्या है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। ऑक्सीजन कितना होता है, 8। इसका विन्यास 2 4। इसका विन्यास क्या होगा, 2 6। कार्बन का 72 कक्षा कितना इलेक्ट्रॉन है, 4। इसके कितना ऑक्सीजन का, 6 है। तो ये बनाते हैं कार्बन ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है ना, 2 ऑक्सीजन बैठा दिया हमने। इसके बातम कक्ष में कितना है, 6 है, इसके भी 6 है, कार्बन का 4 है, ठीक। तो कार्बन को भी इस ऑक्सीजन को कितना चाहिए, 2 चाहिए। तो कार्बन अपना 2 इसको देगा, इस ऑक्सीजन को कितना चाहिए, 2 चाहिए। तो कार्बन अपना इसको देगा, जैसा कि समझौता हुआ है ना, पहले ऑक्सीजन भी अपना 2 इसको देगा, ये भी 2 अपना इसको देगा। तो कार्बन का गिनिए 2 4 6 8, ऑक्सीजन का गिनती कीजिए 2 4 6 8। तो क्या बन गया, यहाँ से डबल बॉन्ड CO यानी CO2। आज हमने रासायनिक बंधन पढ़ा। रासायनिक बंधन कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन होते हैं, मैंने स्टेप बाय स्टेप आप सबको बताया। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें। जय हिंद।